Bollywood Silver Screen presenting Adventure of Tintin. इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1950 से जहां पर हमें टिनटिन -टिन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो मार्केट में अपने डॉग के साथ अपना स्केच बनवा रहा होता है और तभी मार्केट में उन्हें एक बहुत पुराना जहाज का मॉडल दिखता है जो सेवनटीन सेंचुरी का है और इस जहाज का नाम था यूनिकॉर्न अब टिनटिन -टिन को ये मॉडल बहुत अच्छा लगता है इसीलिए वो यूनिकॉर्न के मॉडल को खरीद लेता है टिनटिन -टिन के पास एक आदमी आता है जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है वो टिनटिन से कहता है कि इस जहाज के मॉडल को दे दो पर टिनटिन साफ साफ मना कर देता है वो आदमी कहता है कि तुम्हें अपने आप को सुरक्षित रखना होगा और यह कह कहकर वो वहां से चला जाता है आदमी आदमी के 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 जाने के बाद टिनटिन टिनटिन पास एक और आता है 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 जिसका नाम आईवन होता है। और टिंटिन से कहता है कि ये जहाज मुझे दे दो इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ टिनटिन कहता है कि ये जहाज मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा ये जहाज मैंने अपने लिए खरीदा और मैं इसे बेचना नहीं चाहता ये कहकर वो जहाज लेकर अपने घर आ जाता है टिनटिन को बहुत ही

और भी ज्यादा जानना चाहता है वो बुक में इस जहाज के बारे में पढ़ता है यानी कि ने समुद्री लुटेरों ने उनके ऊपर हमला किया था कई लोगों का मानना यह भी है कि कैप्टन समुद्री जहाज में बहुत बड़ा खजाना लेकर जा रहे थे लेकिन सच क्या है या कैप्टन के साथ यूनिकॉर्न जहाज के साथ क्या

दरअसल बाहर से ही किसी ने उस आदमी को मार दिया होता है उस आदमी के पास एक न्यूज भी होता है मरने से पहले वो न्यूज पर अपने खून से निशान लगाता है उस न्यूज को लेकर पुलिस के पास जाता है पर उसे पता चलता है कि जिस आदमी के पास ये था जो उसके घर में मारा गया वो एक खुफिया पुलिस विभाग से था जो एक खास मिशन पर काम कर रहा था टिनटिन -टिन अब न्यूज को ध्यान से देखता है और जिन जिन वर्ड्स पर उसने ब्लड के निशान लगाए होते हैं वो उनको जो कर एक वर्ड बनाता है जो होता है टिन टिन वालों से पूछता है क्या आप इस वर्ड के बारे में, जानते हैं। वो कहते कि इस बारे में कुछ नहीं पता हम इस बाहर से, से होता है और जब पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं तो भागते हुए टिनटिन से टकराता है और उसके वॉलेट को भी लेकर निकल जाता है और टिनटिन टिन ने उस कागज के टुकड़े को जो उस पेन से निकला था जो की यूनिकॉर्न जहाज के मॉडल से था उसी वॉलेट के अंदर रखा था अब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वो पिक भाग चुका था। अब टिनटिन -टिन को एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और तभी उसके पास आइवन आता है आइवन उसे कागज का टुकड़ा दिखाता और कहता है कि मुझे बताओ जो कागज का टुकड़ा तुम्हें यूनिकॉर्न शिप के मॉडल के अंदर से मिला था वो कहा

हेडॉक होता है और जब टिंटिन को पता चलता है कि यह तो पूछता है क्या आप फ्रांसिस ने मुझे सब कुछ बताया था लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मैं बहुत ज्यादा शराब पीने लगा मैं गम में डूब गया था इसीलिए उनकी बताई हुई हर एक बात को मैं भूल गया टिंटिन पूछता है क्या तुम्हारे खानदान में कोई और भी जिंदा है वो बताता है कि मेरे दादाजी के तीन बेटे थे और अब उनके वंश में सिर्फ मैं ही बचा हूं। टिंटिन यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है वो तक सकते हैं। और एक कागज का टुकड़ा इस वक्त के पास है दूसरा कागज का टुकड़ा उसे मिला था जिसे उसने पढ़ा था उसमें भी तीन भाइयों का जिक्र था साथ ही ये भी लिखा था जब तीन यूनिकॉर्न मिलेंगे तभी खजाना मिलेगा यानी कि तीन यूनिकॉर्न के मॉडल्स बनाए गए थे जिनके अंदर कागज का एक एक टुकड़ा रखा गया था और जब वो तीनों कागज के टुकड़े मिलेंगे तो खजाने का नक्शा बन जाएगा जिससे खजाने का रास्ता उसकी लोकेशन पता चल जाएगी और अब को पूरा सच पता चल चुका है इसीलिए चुपके से इवान के कमरे में जाता है जहाँ पर उसे एक पेपर पर लिखा हुआ मिलता है की इस वक्त इवान बघार जा रहा है इससे टिंटिन समझ जाता है की हो ना हो यूनिकॉर्न का तीसरा मॉडल बगार में है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी से पुलिस वालों को इसकी इंफॉर्मेशन दे देता है और इसके बाद शिप के कैप्टन के साथ लाइफ सेविंग बोट में बैठकर इस जगह से अपने डॉग को लेकर निकल जाता है साथ है कैप्टन जो की बहुत ज्यादा शराब पीता है और रात को शराब के नशे में बोट पर आग लगा देता है जिससे उनकी बोट पलट जाती है टिंटिन कहता है कि अब हम बच नहीं सकते और तभी उनके

रेगिस्तान में होते हैं तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और इन्हें सारी याद आ चुकी है। वो बताता है कि शिप के ऊपर जिन पायरेट्स ने हमला किया था उनके लीडर का नाम रेड था उसने पूरे शिप पर कब्जा कर लिया था लेकिन मेरे दादा ने हार नहीं मानी उन्होंने बारूद से पूरे के पूरे शिप को उड़ा दिया जिस वजह से सारा का सारा खजा समंदर में डूब गया लेकिन मेरे दादाजी ने कुछ खजाने को बचा लिया था जो उनकी हैट में आ गया था और इस वक्त इवान उसी खजाने को ढूंढ रहा है क्योंकि इवान उन्हीं पायलट के लीडर रेड का वंशज है इसीलिए मेरी जान के पीछे पड़ा है इसीलिए उसे खजाने के बारे में सब कुछ पता है और अब ये दोनों के दोनों उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें यूनिकॉर्न का तीसरा मॉडल मिल सकता है वहां पर वो दो पुलिस वाले भी आगे होते हैं क्योंकि टिनटिन ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था और टिनटिन को उसका वॉलेट वापस लौटा देते हैं जिसमें वो पेपर अब भी ज्यो का त्यों होता है जो यूनिकॉर्न के शिप के मॉडल के अंदर से निकला था और अब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो रॉयल फैमिली है वहां पर एक प्रोग्राम होने वाला है इवान भी उस प्रोग्राम में शामिल होता है और शिप का जो तीसरा मॉडल है वो वहीं एक ब्लड प्रूफ ग्लास के अंदर रखा होता है अब जब यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होता है तो एक लेडी यहाँ पर गाना गाना शुरू करती है जिसकी आवाज इतनी हाई पिच होती है कि उसकी आवाज से उसके गाने से कांच के गिलास टूटना शुरू हो जाते हैं और

दूसरी क्रेन में बैठकर कैप्टन के ऊपर हमला करता है कैप्टन नीचे गिर जाता है और अब इवान के पास कागज के वो तीनों टुकड़े हैं उन तीनों टुकड़ों को जलाने वाला होता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर कैप्टन को बर्बाद करना चाहता है और इससे पहले कि वो कागज के उन तीनों टुकड़ों को जलाता है टिन टिन उससे कागज के तीनों टुकड़े छीन लेता है इंटरपोल पुलिस भी यहाँ पर होती है जो इवान को गिरफ्तार कर लेती है और अब इनके पास कागज के तीनों टुकड़े हैं उन तीनों टुकड़ों की मदद से दोनों के दोनों कैप्टन के पुराने घर पर पहुंचते हैं जहाँ पर उसने अपना बचपन अपने दादा फ्रांसिस के साथ बिताया था वहां पर उन कागज की मदद से दोनों के दोनों बेसमेंट में एक दीवार के पीछे जाते हैं जहां पर एक ग्लोब होता है और जब ये उस ग्लोब को तोड़ते हैं तो उसके अंदर वो खजाना होता है जो फ्रांसिस ने यानी कि कैप्टन के दादा ने अपनी हैट में बचा लिया था कैप्टन अपने खानदान के सोने को पाकर बहुत खुश होता है टिनटिन कैप्टन को बताता है कि इन कागज के टुकड़ों में से एक टुकड़े में एक और लोकेशन के बारे में लिखा हुआ है जो हो ना हो उस जगह की लोकेशन है जहां पर पूरा का पूरा खजाना है जिसका वजन 400 किलो है और अभी दोनों के दोनों उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी